हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। नाउ बी रेडी फॉर एन इंग्लिश ग्रामर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ एन इंग्लिश ग्रामर एंड दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेफिनेशन ऑफ द फ्यूचर टेंस। व्हाट इज द फ्यूचर टेंस? द फ्यूचर टेंस इज अ वर्ब टेंस यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल हैपन और विल बी ट्रू इन द फ्यूचर। अब फ्यूचर टेंस किसके लिए यूज़ होता है? कि फ्यूचर में जो कुछ भी बनने वाला है, जो एक्शन होने वाली है उसके, और जो ट्रू होने वाली है उसके लिए ये टेंस यूज़ होता है। फ्यूचर दिखाने के लिए ये टेंस यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, ही विल बी हियर सून, यानी कि वो जल्दी यहाँ होगा। आई विल गिव यू अ कॉल, ये भी एक फ्यूचर टेंस है, विल का यूज़ हो रहा है। वॉट विल यू डू, आप क्या करने वाले हो, वो भी एक फ्यूचर टेंस है। इट विल बी सनी टुमारो, अब वो भी टुमारो के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी फ्यूचर है, इसलिए फ्यूचर टेंस यूज़ होता है। अब हम देखेंगे उसका यूज़ और कुछ एग्जाम्पल। फॉर एक्शन डिसाइडेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, अब जब भी हम बोल रहे होते हैं तब वो एक्शन बन गई होती है, पर उसका असर फ्यूचर में भी रहता है, तो वो दिखाने के लिए ये टेंस यूज़ होता है। जैसे कि आई हैव अ टूथ हैक, आई विल टेक सम मेडिसिन, अब उसे दांत में दर्द हो रहा है, ये अभी की एक्शन है और फिर वो मेडिसिन लेगा, तो ये फ्यूचर टेंस है। फॉर अनप्लान्ड फ्यूचर एक्शंस, जो प्लान नहीं है वो फ्यूचर एक्शंस के लिए भी ये टेंस यूज़ होता है। विंटर विल कम सून, विंटर जो है वो जल्दी आने वाली है, तो ये फ्यूचर टेंस है। फॉर ऑफरिंग, आस्किंग फॉर अ रिक्वेस्ट, प्रॉमिसिंग, ऑर्डरिंग, थ्रेटनिंग, इन सब के लिए भी ये टेंस यूज़ होता है। आई एम अफ्रेड वी विल गेट वेट, ठीक है। फिर आएगा फॉर अनप्रिवेंटेबल एक्शंस इन फ्यूचर, तो ये क्या हो गया, समर विल कम सून, अब वो कब आएगी वो नहीं पता पर जल्द ही आएगी। कंडीशनल टाइम एंड पर्पस क्लोजेस, व्हेन आई अराइव्ड एट होम आई विल कॉल यू, ये क्या कर रहा है कि जब मैं घर पे पहुंच जाऊंगा तब मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तो इसके लिए भी सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होता है। फॉर थाट्स, प्रेडिक्शंस, प्रेडिक्शंस यानी कि अनुमान लगाना, ठीक है। अशम्पशंस यानी कि कल्पना, श्योरनेस, फियर अबाउट फ्यूचर, ये सब के लिए भी फ्यूचर टेंस यूज होता है। आई प्रोमिस आई वॉन्ट टेल दिस एनी वन, मैं आपको प्रोमिस करता हूँ ये मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा, तो ये सब क्या थे, यूज़ और एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर टेंस। अब हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, तो पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म और क्वेश्चन फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पॉजिटिव फॉर्म में आएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वी वन, अब आपको पता है कि आई, यू, ही, शी, इट, वी और यू का प्लूरल फॉर्म और दे, ये सब सब्जेक्ट है, उसके बाद में आएगा विल प्लस वी वन, ठीक है, ये पॉजिटिव फॉर्म में। नाउ वी सी द नेगेटिव फॉर्म, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वी वन, ठीक है, यहाँ पर वी वन ही आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो आएगा आई, यू, शी, ही, इट, वी, यू, दे, ये सब के पीछे विल नॉट आएगा, जिसकी वजह से ये नेगेटिव फॉर्म बन जाएगा प्लस स्टार्ट। तो आपको एक पूरा सेंटेंस अगर एग्जाम्पल के तौर पर लेना है तो आप ऐसे ले सकते हो, आई विल नॉट स्टार्ट। अब विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वॉन्ट, ठीक है। यहाँ पर नीचे भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, पॉजिटिव फॉर्म में है आई विल कम बैक, आई विल नॉट अथवा आई वॉन्ट कम बैक, ठीक है। और लास्ट द क्वेश्चन फॉर्म, उसमें आता है, आपको पता है विल आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर आएगा वी वन, तो यहाँ पर देखिए यू विल कम बैक ये पॉजिटिव है, तो उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, Will you come back? इस तरह से हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म के फॉर्मूला है। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आपको ये पूरा स्ट्रक्चर और आज का वीडियो जो है, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, ठीक है। देखिए आई के साथ भी वी विल आता है, यहाँ पर सभी जो प्रोनाउंस हैं या नाउंस है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में विल ही आएगा, तो पॉजिटिव सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, आई विल कम,
आई विल नॉट कम ये नेगेटिव है और विल आई कम ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फिर अगर हम यू यूज़ करते हैं तो यू विल कम नेगेटिव में आएगा, यू विल नॉट कम, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा विल यू कम। ही के साथ पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह बनेगा, ही विल कम, नेगेटिव में आएगा ही विल नॉट कम, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा विल ही कम। यहाँ पर पीछे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं है, पर अगर आप नोटबुक में जब लिखते हैं तब उसके पीछे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे है इसलिए पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है। शी विल कम तो उसका नेगेटिव क्या होगा, शी विल नॉट कम। और अगर हम क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या होगा, विल शी कम। इस तरह इट विल कम नेगेटिव में आएगा, इट विल नॉट कम, एंड विल इट कम, इस तरह हमारे सेंटेंस बन जाएंगे। फिर प्लूरल आते हैं, ये सब लास्ट के तीनों हैं वो प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि वी, यू भी सिंगुलर और प्लूरल में यू ही यूज़ होता है, ठीक है। एर और दे, तो दे विल कम, दे विल नॉट कम, विल दे कम, इस तरह सेंटेंस बनेंगे। फिर अगर ऊपर के दो हम देखें तो वी विल कम नेगेटिव में आएगा, वी विल नॉट कम, और आएगा विल वी कम। इसी तरह यू विल कम, यू विल नॉट कम, एंड विल यू कम, ठीक है। आज मैंने जो भी आपको करवाया, एक्सप्लेन किया, रूल, पैटर्न, डेफिनेशन, वो सब आप